ग्राम पंचायत रुपौधा विकास खंड नारायणपुर में सुनीता देवी पत्नी ज्योति सिंह ने अपने दर्द को मीडिया के सामने रखा। सुनीता देवी ने बताया, पिछले कई वर्षों से मैं आवास के लिए प्रधान से लेकर वीडियो तक ज्ञापन दिया, लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा। पिछले वर्ष सन 2021 में तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन विभागीय कर्मचारी की कमी के कारण आज तक मेरा आवास नहीं बना। मैं अपनी बूढ़ी सास, पति व बच्चों के साथ जर्जर मकान में रहती हूँ। मकान इतना जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने कई बार प्रार्थना पत्र प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडियो से भी मिले, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ आश्वासन दिया गया। मैं मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से निवेदन करती हूँ, आकर के मेरे मकान का सत्यापन किया जाए। अगर मैं पात्र हूँ तो मेरे आवास को बनाने की कृपा करें। जिला मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ सालेह आसिन की खास रिपोर्ट। सर, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको? हमारी समस्या आवास का है। इसमें किसकी कमी है आवाज जो नहीं मिला? सेक्रेटरी का है सर। ये क्या कहना है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी जांच करने नहीं आ रहा है, मतलब कहता है कि बस देंगे देंगे ही कहता है। कितने दिनों से? लगभग 2 साल से। 2 साल से आप प्रार्थना पत्र लेकर के ये यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और सेक्रेटरी और BDO साहब का ये कहना है कि चलिए ठीक है, आपको जो है हम आवाज़ देंगे, लेकिन अभी तक आपको आवाज़ नहीं मिला। सिर्फ अब आप क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं कि कुछ आगे इसका का अथवा बढ़े। चैनल के माध्यम से आप प्रदेश और देश के सरकार से क्या बताना चाहेंगे? बस यही बताना चाहते हैं कि सरकार में कुछ व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी आ नहीं रहे हैं आप देखने के लिए। आप अपना परिचय बताएं। मैं जो पौधा की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। पति का नाम? ज्योति सिंह। ब्लॉक कौन सा है आपका? नारायणपुर। जिला मिर्जापुर। आपकी क्या समस्या है? सर, मेरा ये कच्चा मकान है और गिर रहा है। इस मकान को हम लोग 8-9 साल से भरे हुए हैं और क्या नाम है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपने कहीं लिखायत से शिकायत पत्र दिया? जी सर, दिए थे, तहसील दिवस में दिए थे, साल भर हो गया। अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारी का ये कहना है कि नया आवास आएगा तो आपको मिला जाएगा, पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे मेरा घर एकदम मतलब टूट के गिरने वाला है, कि हम लोग 2 बच्चे हैं, मेरी सास से मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, हम लोग कैसे अपना जीते खाते हैं। मगर सबके का नाम ये है कि गाड़ी चल रहा है, वो भी सर हम लोग टोटो लिए हुए हैं जीने खाने के लिए। और क्या गाड़ी आपकी कैश है या लोन पे आपने लिया है? लोन पे है सर।